पहुंच की, फिर से मैं सेटिंग कर रही हूँ चेंज। डबल सिलाई हुआ पूरा। हाँ कहाँ है दिखा। हाँ ये डबल डबल सिलाइयाँ लगी हुई हैं अंदर काफ़ी जो सब अच्छे लगते हैं। हाँ और ये किचन की सेटिंग चेंज और मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे आमीन। हमारी जो है वो मीठी मीठी दोपहर हो चुकी है और बस अभी जाएंगे नाश्ते की तरफ और आज की रूटीन में देखते हैं कि क्या क्या है। और ये जो है ना सबसे पहले इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं, इतने हैप्पी हो रहे हैं कैमरे में अपने आप को देख के हैं अहमद। आई आई इनको है कि बस मैं दिखूं कैमरे में और बस मेरी वीडियो बने। क्या हुआ? डिनर की तैयारी कर रही हूँ, मुर्ग छोला बना रही हूँ। डिनर में लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में डाल दिया, मैंने चिकन ऐड कर दी है लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से भूनूंगी। मेरे लिए सैंडविच बना रही हूँ, ये उबला हुआ अंडे के ऊपर मैंने जीरा थोड़ा सा लगाया, नमक और काली मिर्च और थोड़ी सी चीज़। सैंडविच मेकर में रख दिया इसको। और प्याज जो है ना मैंने पीस लिए थे और ये अब मैं मुर्गी अच्छी तरह से भूनने के बाद टमाटर और प्याज का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, फिर टमाटर और प्याज के पेस्ट में अब मैं चिकन को अच्छी तरह से फिर दोबारा भूनूंगी। सैंडविच मेरा रेडी हो चुका है। ये एग मैं खिलाऊंगी उबला हुआ अपने छोने छे पाले छे बेटे को। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर रही हूँ लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, कड़ी पाउडर, गरम मसाला ऐड करूँगी ताकि मसाला जले ना। ये उबले हुए छोले ऐड कर दूँगा, अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरा धनिया भी डाल दिया है, सूखी मेथी भी डाल दी है और मिर्चें लाल और कुछ हरी डाली हैं। तो बस सालन हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ये है कि जब अदील साहब आएंगे तब ये गर्म होगा तो साथ में थोड़ा सा और पकेगा अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद। तो अभी डिनर हमारा रेडी है और इस मुर्ग छोले की जो खुशबू है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अहमद को खाना खिला दिया, अहमद को एग खिलाया उबला हुआ। अब ये जो है ना कल मैंने बनाए थे ब्लैक चने, तो अब जो है ना ये मोहम्मद साहब को दूंगी मैं खाना। मोहम्मद साहब को बैठ के खिलाऊंगी और आयशा इनाया ने सैंडविच उनको सैंडविच ब्रेड के बना के दिए हैं अंदर कबाब रख के और स्लाइस का सैंडविच बना के दिया। अब आराम से बैठ के मोहम्मद साहब को खिलाऊंगी। मैंने खाना बनाया साथ साथ अपने खड़े खड़े ये किचन में ही अपना सैंडविच ख़त्म किया और बीच बीच में अहमद साहब को भी खिलाया। तो ऐसे ही काम पूरे दिन के मैं ख़त्म करती हूँ और ऐसे ही भाग दौड़ लगी रहती है मेरी। और ये किचन की सेटिंग चेंज और मेन चीज़ है चूल्हा, उसकी सेटिंग चेंज करवा रही हूँ। खाना हम शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिनर शुरू है। आदिल साहब ने किचन पे आज काफ़ी मेहनत की है आदिल साहब ने और किचन की जो सेटिंग है वो अभी आप सबको डिनर के बाद दिखेगी। किचन की सेटिंग का आइडिया नाजिया का था, मेहनत हमारी। यस तो अभी जो है ना किचन का टूर आप सबको डिनर के बाद मिलता है। पहुंच की फिर से मैं सेटिंग कर रही हूँ चेंज और आदिल साहब लेकर आ रहे हैं सोफे। ये चेंज हो रही है सेटिंग, ये यहाँ की सेटिंग इस तरह से की है कि यहाँ से दो सोफे ही बस निकाले हैं और यहाँ दो सोफे रखे हैं
और यहाँ लेकर आई हूँ डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल इसलिए यहाँ पे लाई हूँ क्योंकि उस डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग वाले रूम में एसी नहीं है। वो देखिए ये एसी नहीं लगा हुआ, तो आजकल काफ़ी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वो कमरा जो है ना हीट होता है, ये कमरा भी बहुत मुश्किल से ठंडा होता है। तो इस वजह से डाइनिंग टेबल यहाँ लेकर आई क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि मैं दस्तरखान नीचे ही लगा रही थी और नीचे ही हम खाना खा रहे थे, तो नीचे से उठना बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, जैसे कि आप सबको पता है ऑपरेशन हुए में, तो ये अवॉइड ही करती हूँ मैं नीचे उठना बैठना ज़्यादा। तो इस वजह से तो अदील साहब कब से मुझे कह रहे थे डाइनिंग टेबल इधर लानी है, इधर लानी है, तो बस आज हमने बस हिम्मत ही कर ली, हमने कहा बस आज करना है सब सेट, क्योंकि यहाँ अगर ये वाला दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ तो ये टीवी लॉन्च मेरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये वाला एसी भी इतना कूलिंग नहीं करता है, लेकिन अगर मैं डोर सारे बंद रखूँ तो ये लॉन्च मेरा ठंडा हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमें नॉर्मल बैठने के लिए दो सोफ़े काफ़ी थे, बाकी दो सोफ़े बाहर वाले रूम में रखवा दिए और डाइनिंग टेबल यहाँ रख दी है। और किचन की मैं आप सबको सेटिंग दिखाती हूँ कि किचन से मैंने जो डाइनिंग टेबल थी वो हटा दी है, वो इस वजह से कि यहाँ डाइनिंग टेबल सामने आ गई कि बच्चे ये वाली डाइनिंग टेबल यूज़ करेंगे। किचन की सेटिंग इस तरह से मैंने की है, ये यहाँ पे सामने बिल्कुल चूल्हा होता था मेरा, ओवन रखा हुआ था, तो यहाँ मैं फ्रिज अपना लेकर आई हूँ, ये पानी का कूलर तो यहीं है और डिश वाशर भी यहीं है, और यहाँ से चूल्हा लेकर मैंने रख दिया है चूल्हा यहाँ पे, यहाँ पे सारी सेटिंग कर दी है, यहाँ पहले मेरा जो है ना फ्रिज रखा हुआ था, तो यहाँ मैंने सारी सेटिंग कर दी है। ये देखिए जी ओवन को मैं यहाँ लेकर आई हूँ, और आदिल साहब से मैंने लगवाए हैं, वो आकिया के रैक पड़े हुए थे मेरे पास तो वो लगवा दिए मैंने, और बाकी सामान सारा जो यूज़ वाला सामान है, मोस्टली जो यूज़ होता है खाना पकाते टाइम, वो सारे बर्तन मैंने सामने रख दिए हैं। बाकी ये है कि बाकी सामान मेरा इन दराज़ों में भी है, और नीचे जो है ना शॉपर हैं, और प्याज और लहसुन की टोकरी जो है ना वो टेबल के नीचे ही आ गई, सिलेंडर की भी जगह अच्छी बन गई, और साथ में ये टेबल ऑयल वगैरह यूज़ होता है मेरा, जो अमूमन यूज़ का सामान है वो सारा मैंने इसी साइड पे रख दिया है। और यहाँ जैसे ओवन में काम करूँगी, चूल्हे का काम करूँगी, तो सामने बिल्कुल बच्चों को खाना भी सामने दे सकूँगी, डाइनिंग टेबल सामने आ गई है। और इस तरह से ये देखिए लॉन्च भी मेरा बिल्कुल, अगर मैं यहाँ खाना बनाती हूँ तो बच्चे बिल्कुल सामने मुझे नज़र आएंगे, सामने खेलते हुए, पहले ये बैक पे पड़ता था मुझे, मुड़ मुड़ के बच्चों को देखना पड़ता था, अब मैं यहाँ खाना बनाऊँगी तो बच्चे सामने दिखेंगे। और ये वाली तो इस तरह से सेटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैसी ही सेटिंग है। माइक्रोवेव वाली शेल्फ थी यहाँ पर, फ्रिज था यहाँ पर, वो सब हटाया है, वो मैंने दरवाजे के पीछे कर दिया है, और माइक्रोवेव अमूमन ज़्यादा यूज़ होता है तो माइक्रोवेव मैंने यहाँ रख दिया है, ओवन इतना यूज़ नहीं होता है, ओवन को दरवाजे की बैक साइड पे ही रख दिया है, जब यूज़ होगा तो उठा के शेल्फ पे रख के यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि इस तरह से सेटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो ये सामान है ये दिख भी नहीं रहा है, अगर वहाँ अगर गेस्ट बैठे भी हों, अगर हम सब वहाँ बैठे भी हों, तो ये जो व्यू है ये सामने दिख नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नीट एंड क्लीन लग रहा है, किचन बड़ा लग रहा है। वाइट लाइट में भी मैं दिखा देती हूँ आप सबको व्यू, वो गोल्डन लाइट में था, गोल्डन लाइटें मैंने जलाई हुई थी, वाइट जलाना भूल गई थी, तो मैंने कहा वाइट में भी आप सबको ये टूर दे देती हूँ। ये देखिए इस तरह से सेटिंग की हुई है, और यहाँ पे फ्रिज और माइक्रोवेव था पहले, ये बाकी सामान तो वहीं का वहीं रखा हुआ है, और कूलर मैंने यहाँ डिशवाशर के पास में ही रख दिया है, डिशवाशर के पास जगह थी, और फ्रिज आ गया है यहाँ चूल्हे वाली जगह पे, ज़बरदस्त जो है ना सेटिंग हो चुकी है। और आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेटिंग कैसी लगी आप सबको। ये आप सबको मैंने कहा पूरा लॉन्च दिखा दूं, और यहाँ एरिया का रूम बिल्कुल सूना सूना सा हो चुका है, पूरा खाली कर दिया है। इंशाल्लाह सर्दियाँ जब आ जाएंगी, विंटर का मौसम आएगा, तो फिर डाइनिंग टेबल इधर ले आऊँगी, क्योंकि तब तो अमूमन ये रूम ठंडा हो जाएगा। और विंडो की मैंने जो है ना पर्दे हटा दिए हैं, थोड़ा सा फोल्ड करके विंडो के हैंडल में कर दिए हैं, वो इस वजह से कि धूप आएगी, थोड़ा इस रूम को धूप लगेगी, थोड़ा अच्छा फील होगा। और ये देखिए यहाँ काफ़ी, ये कमरा काफ़ी गर्म है, इस वजह से जो है ना हम यहाँ बैठ के खाना नहीं खा सक रहे थे, तो इस वजह से जो है ना ये देखिए
यहाँ बच्चियों की जो है ना, बच्चों की गाड़ी वाड़ी रख दी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये खाली हो चुका है डाइनिंग एरिया। अमूमन हम जब टीवी लॉन्च में बैठते हैं, बाकी घर की लाइटें हम बंद ही रखते हैं और डोर भी बंद ही रखते हैं। अब ये है कि सारा दिन मेरा टीवी लॉन्च में ही गुजरता है, तो इस वजह से ये सारे डोर बंद होते हैं और लाइटिंग वगैरह सब हम बंद ही रखते हैं, बच्चे सब हम इधर ही होते हैं। ये मैंने टीवी लॉन्च की भी लाइट बंद कर दी है, अब अदील साहब जो है ना ब्लू लाइट में इंजॉय करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको न्यूज़ सेटिंग। अच्छा जी, हम लोग आए हैं अल जज़ीरा हैपर मार्केट में। लगा हुआ ये 60। पापा मैं ये है कितने का है? स्ट्रो का। हां मतलब कितने का ही है स्ट्रो का? नहीं 47 का नहीं होगा ये है रैम्बो का है ना, ये 26 का होगा, 26 का होगा ये। हम अभी का मक्खी ना ये है ना, तो मार के दे। ये बैग कितने प्यारे हैं, ये आशा ही ना यहाँ आप लोगों की फेवरेट प्लेस आ गई। वाओ बैग बहुत प्यारे हैं, बॉटल्स। ट्री ना, ये हम बचपन में यूज करते थे। जिस कलर का पेन चाहिए यूं करोगे ग्रीन आ जाएगा, ये हमने बड़े यूज किए हैं बचपन में। मुझे भी पसंद है ये वाले। कितने का है? 17 रियाल का। ये बैग अच्छे हैं, प्राइस डिफरेंट प्राइस के हैं। हेलो किटी का। ये सिंगल एक पेन। ये बर्थडे वाला सेक्शन, कैप्स कितनी अच्छी हैं। बैग कितने प्यारे हैं, गिफ्ट बैग बहुत खूबसूरत है। सारा जो है ना स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है इस तरफ। अच्छा ये वाले जितने भी ट्रॉली बैग हैं 99 के, 96 के, और अदील साहब कह रहे हैं काफ़ी मजबूत बैग हैं, काफ़ी अच्छे बैग हैं और काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में लगे हुए। जिनको चाहिए हो तो अल जज़ीरा मार्केट आ सकते हैं, आके ले सकते हैं। ये देखें डबल डबल सिलाई हुआ पूरा। हाँ कहाँ है देखा, हाँ ये डबल सिलाइयाँ लगी हुई हैं अंदर, काफ़ी ये मजबूत बैग है, अच्छे बैग हैं। है स्विमिंग ड्रेस की भी डिफरेंट प्राइस है, ये है 49 के,
49 के, और ये है स्लीपिंग ड्रेस 59। अच्छे लगते हैं 59, बहुत महंगे हैं। ब्लू कलर में फ्लामिंगो मॉल में मैंने सस्ते देखे हैं, 25 के देखे हैं वहाँ पे, 25 के। ये है 59। ये प्यारा है हाफ में। कौन सा? कितने का? ये है 35 का, सिर्फ पजामा 35 का। ये फुल ड्रेस है, ये प्यारा ड्रेस है। ये है 199 का। कितना प्यारा है, कितने का है प्यारा? 79 का। और ये वाले जो बैग है 119 के लगे हुए हैं, डिफरेंट प्राइस में। ये प्यारे हैं नेट के अपर, 19 रियाल का नेट का अपर है, 19 रियाल के। ये शर्ट प्यारी है लेकिन शर्ट कम और ओपन ज़्यादा है, बंद कम। फाइव के हैं, बने बनाए हैं, आर्ट हुआ हुआ है इनके ऊपर, बस ग्लू से लगाना पड़ेगा। और एक ही साइड है। ले लो, कौन से चाहिए? ये स्ट्रॉबेरी वाले हैं। मुझे, मैं भी ले लूं? ले लो, मैं भी ले। ओनली वन। ये भी हैं, ये 10 के हैं, ये भी हैं, ये 10 रहे। बच्चों की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, मज़े मज़े की चीज़ें हैं, बच्चों को ले आएँ और इन्जॉय करवाएं। महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं। ये लिए आपने? ओके। बर्तन भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये पूरा सेट है 129 का, और ये है पूरी ग्राइंडर का सेट 99 का। ये एयर फ्रायर लगा हुआ है 169 का। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आप सबको नज़र आ रही है, ये देखिए। और ये देखिए, ये भी, ये देखिए जी, ये मशीनरी जो ऊपर रखी हुई इनकी प्राइस, ये देखिए, ये इसकी प्राइस है। ये सेट बहुत अच्छा है। कितने का है ये? ये 699 का, वो 69 का, बहुत महंगा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैंने सोची भी है कि मैंने लेनी है ये। ये 59 का है, मिलता है मम्मी सस्ता, मुझे पहले बता, मैं दिला देता आपको। ये अंडे रख दें आप स्टीम से, इसमें अंडे पक जाएंगे ना, अंडे पक जाएंगे। ये मुझे चाहिए था। ये 49 का है, अच्छा है ये, बहुत छोटा सा। भी बहुत प्यारे हैं, 25 के। ये सूट ये लेना है मुझे मेकअप के लिए, बड़ा प्यारा लगता है ये आपके हैंड कैरी के ऊपर हो। ये खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, अल जज़ीरा मार्केट। बहुत ही अच्छी वैरायटी है यहाँ पे चीज़ों की। ये कितना प्यारा है, कितने का है? 39 का, सही है 39 का।
ये भी 39 का है, ब्लैक में भी बहुत प्यारा है। और भी बहुत सारे डिज़ाइन स्टाइल के बैग रखे हुए हैं। ये कितने का है, ये 49 का है, यानी साइज के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा है तो 49 का है, छोटा है तो 39 का है। इस तरह से डिफरेंट प्राइस में रखे हुए हैं। आंटी के शूज़ बहुत प्यारे हैं। वाओ, ये शर्ट्स बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत खूबसूरत हैं शर्ट्स। ये अब आए हैं, कितने कितने के अब आए हैं। ऊपर भी हैंड बैग बहुत अच्छे रखे हुए हैं, वो ब्लैक वाला बहुत खूबसूरत बैग है। ये अब आया कितने के, ये अब आए 199, ये वाला है डबल फेस 249, डबल फेस का है ये। अब आए बहुत महंगे हैं, और ये पूरा ड्रेस है, पजामा एंड शर्ट 99, ये ओनली शर्ट 89, ये सिल्क वाली शर्ट 89, बहुत महंगे हैं। वाओ, ये कितना प्यारा बैग है, बहुत हसीन। ये बैग है 25 का, सही है। ये अबाया है क्या, वो पजामा है, ये लॉन्ग शर्ट और पजामा है 99। अबायों की डिफरेंट प्राइस है। और ये मैक्सी है, ये मैक्सी कितने की है, ये 179, ब्लू कलर की। अच्छी लग रही है ना, खूबसूरत लग रही है, लेंथ भी अच्छी है।